हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आए हैं हैंगिंग ब्रिज, जो विलियम नगर के 2 या 3 किलोमीटर दूर है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। देख सकते हो आप, मेरे बैक साइड जो दिखाई दे रहा है वो वही हैंगिंग ब्रिज है। अभी हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि हैंगिंग ब्रिज कैसा है। और भी यहाँ के जो नज़ारे हैं बहुत, मेघालय में तो वैसे ही इतनी खूबसूरत जगहें हैं, तो यहाँ मैं दिखाती हूँ कितने खूबसूरत जगहें हैं। तो चलते हैं हम हैंगिंग ब्रिज की तरफ का जो है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत पेड़ पौधे हैं, नेचुरल ब्यूटी है मेघालय में। तो ये जो बना है हैंगिंग ब्रिज, कितना ऊंचा बना हुआ है। तो अभी हम चलते हैं हैंगिंग ब्रिज के साइड। देख सकते हो गाइस, जो हैंगिंग ब्रिज है वो कितना सुंदर बना हुआ, हिल रहा है, डर लग रहा है कोई चलता है तो डर लगता है। और नीचे देखो, लकड़ी से बना हुआ है और आइट साइड तारों से बना हुआ है, लोहे से। और ये ऊपर की साइड बंधा हुआ है। और आसपास नदी है। देखो इस ब्रिज पर साइकिल लेके आ गया, इसको डर भी नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो गाइस आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है इस ब्रिज का। और इतनी शांति है यहाँ पर, इतनी शांति है कि बता नहीं सकते हो। ये छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं इस ब्रिज को पार करते हुए। बच्चे हाय हाय, बच्चों हाय तो बोल दो। हिल रहा है, बहुत डर लग रहा है ये बच्चे निकल रहे तो। और हमारे साथ वो सर और मैडम लोग भी आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। यहाँ पर स्कूटी भी चला रहे इस ब्रिज पर, डर नहीं लग रहा, हिल रहा है ये ब्रिज। मैं मोलेक भी जाना है, कुछ पानी बह रहा है पर बहुत डर लग रहा है, ब्रिज हिल रहा है तो देखने में भी डर लग रहा है नीचे के साइड। बहुत बहुत सुंदर व्यू है। बता दो, बादल भी इतने सुंदर है। जो भी लोग मेरा ब्लॉग को देख रहे हैं एमपी से, वो प्लीज कमेंट करें, मुझे एमपी की भी बहुत याद आती है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मेमो लेक, और ब्रिज को हमने देखा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देख सकते हो आप पीछे से भी बैकग्राउंड, बहुत ही मस्त व्यू है। इस साइड भी नदी दिखा रहे जा रहे हैं ब्रिज को पार करते हुए। तो गाइज अभी हमें मेमो लेक जाना है और टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो हमने यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं बिताया और अब हम चल दिए हैं मेमो लेक की साइड। अभी तो ब्रिज को पार कर लेते हैं, ब्रिज बहुत बड़ा है। तो गाइज ये हमारा हैंगिंग ब्रिज ख़त्म हो चुका है,
और देख सकते हो कि कैसे बनाया है इस ब्रिज को। यहाँ तो उस टाइम भी आए थे ना, उधर भी एक वो से कुटी बोरा था, मैम अलग से यहाँ ही देखने आते हैं। आओ तो सर, चलो फिर भी जाएंगे उधर तक, अगर ये मिला कोई ऑटो वाटो। चलो आपके 10,000 सब्सक्राइब आते हैं उसमें कितने पैसे मिलते हैं? देखो कितना अच्छा लग रहा है मैडम। हाँ, अगर 10,000 सब्सक्राइबर आएंगे कितने पैसे मिल जाएंगे? व्यू के अकॉर्डिंग। व्यू कितने? ये व्यू कितने अगर आएंगे 10,000 व्यू कितने पैसे? 1 मिलियन है, 2 लाख है, बहुत पैसा आता है, लाख। तो भाई अगर 1 लाख सब्सक्राइब, हमारी एक वो नेक्स्ट डोर नेबर ही थी। हम आ चुके हैं एक गांव में, वो भी बहुत सुंदर है, बस यहाँ पर नेचुरल हरियाली हरियाली चारों तरफ, और ये घर तो जाएगी उसमें कितने पैसे? ये देखो घर बना हुआ है बेम्बो, ये बांस का घर बना हुआ है जंगल में, सुनसान जंगल में एक ही घर। सुनसान सड़क है। इसमें तो गाइज हम जा रहे थे मेमो लेक, लेकिन हमें ऑटो नहीं मिला संडे की वजह से, यहाँ पर संडे के दिन सारा मार्केट बंद होता है। तो अब हम वापस जा रहे हैं हमारे स्कूल साइड, क्योंकि यहाँ पर बज चुके हैं 4 और 4 बजे ही यहाँ पर अंधेरा होने लगता है, रात होने लगती है, यहाँ पर मॉर्निंग जल्दी होती है। तो गाइज हम फिर वापस से आ चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पर, और अब घूमने गए थे और अब हम आ चुके हैं मेला। देखो यहाँ पर मेला ही है नॉर्थ ईस्ट का, और यहाँ पर दुकानें हैं। कपड़ा दुकान बता, कौन सी निकालते हैं?